हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा, जो लास्ट लेक्चर था, हम लोगों ने लास्ट चैप्टर फिनिश कर दिया था, राइट? अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, ठीक है? और इस चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है? चैप्टर नंबर 2 का जो नेम है, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि हमारा यूनिट 1 का ही पार्ट है। यूनिट 1 में आपका चैप्टर 1 एंड 2 आता है, एंड इट इज समवेयर अराउंड 7 to 8 मार्क्स जो आपके कवर अप हो रहे होंगे, ठीक है? तो 7 to 8 से थोड़े ज़्यादा ही कवर अप होंगे, समवेयर अराउंड 10 मार्क्स जाएंगे चैप्टर 1 एंड 2 से, फाइन? सो नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो चैप्टर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात करते हैं, तो यहां पर सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है हमारी पोटेंशियल डिफरेंस से, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो जो बर्ड पोटेंशियल है, इसको आपको समझना है। तो उससे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है कि सपोज आपके पास एक चार्ज है, मे बी इट इज पॉजिटिव चार्ज, एंड इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में क्या होगा, एक कुछ रीजन डेवलप होगा, दैट रीजन विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है? और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा यहां पर, तो आप क्या देखोगे कि भाई अगर मैं कोई एक चार्ज लेकर आऊं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सपोज यहां पर मेरा चार्ज रखा हुआ है कोई, सपोज क्यू नॉट चार्ज, दैट इज माई टेस्ट चार्ज, और इस क्यू नॉट चार्ज को मैं यहां से यहां तक लाना चाह रहा हूं, सपोज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो क्या होगा, ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, और जब ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा, तो ये वाला चार्ज क्यू नॉट बी पॉइंट पर ऐसे नहीं आ सकता है, इसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? अब कितना वर्क करना पड़ेगा ये आपको समझना है। तो भाई कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क किस लिए करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पॉइंट ए और बी है, तो रिपल्सन हो रहा है, रिपल्सन के अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? जब इसके अगेंस्ट हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट दैट वर्क डन। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा दो पॉइंट्स के बीच में, ये आएगा बेसिकली जो भी आपने वर्क डन निकाला है, उस वर्क डन को अगर आप टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। 10th क्लास में आपने पढ़ा है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ये सिर्फ रिविजन टाइप ऑफ चीजें हैं, रिकैप कर रहे हैं हम लोग, वैसे तो आपको आनी चाहिए। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज वॉट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किसी भी चार्ज को मूव कराने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क डन पर यूनिट दैट टेस्ट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो अगर मैंने कहा कि मेरे पॉइंट ए पर पोटेंशियल है वी ए, मैंने कहा पॉइंट बी पर पोटेंशियल है वी वी, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, बी वी माइनस बी ए जो आएगा हमारा, ये आ जाएगा W कहां से कहां तक, A से लेकर B तक ले जाने में जो वर्क किया, डिवाइडेड बाय Q नॉट।
बी बी माइनस बी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू नॉट, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट ए एंड बी। अब मान लो मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, सपोज मैंने कहा कि बी पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, तो अगर मैं गलती से इस पॉइंट ए को जीरो कर दूं, इसके पोटेंशियल को जीरो कर दूं, तो ये जो पोटेंशियल मुझे मिलेगा यहां से, ये पॉइंट बी का अकेला पॉइंट बी का पोटेंशियल मिलेगा। इट मींस एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा मुझे, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाएगा। और ये जीरो होगा कैसे? सो द अजम्पशन इज दैट, द अजम्पशन इज दैट एट इन्फिनाइट माय पोटेंशियल बिकम्स जीरो। एट इन्फिनाइट द पोटेंशियल बिकम्स जीरो। तो अगर मैं इस ए पॉइंट को इन्फिनाइट मान लेता हूं और मैं बोल दूं कि इन्फिनाइट से चार्ज को किसी एक पॉइंट तक ले आए, तो जितना वर्क किया जाएगा, दैट वर्क डन पर यूनिट दैट चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वॉट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन, ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन। तो ये पोटेंशियल समझ आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको समझ आ गया। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी कुछ एसआई यूनिट होती है। तो बेटा एसआई यूनिट जो होती है पोटेंशियल की, इट इज वॉट? इट इज वही डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। डब्ल्यू इज जूल, अपॉन क्यू नॉट मीन्स चार्ज, चार्ज मीन्स कूलॉम। सो एसआई यूनिट इज जूल पर कूलॉम, और इसका दूसरा नेम क्या है? बोल्ट, बोल्ट इज अनदर नेम। डायमेंशन की भी नीड पड़ेगी, तो डायमेंशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। डब्ल्यू की डायमेंशन होती है एम एल टू टी माइनस टू, चार्ज की हो जाती है ए टी, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ए माइनस वन। तो ये हो गई मेरी डायमेंशन, ठीक है, और ये हो गया मेरा यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ दैट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। और ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इट मींस यहाँ पर मुझे डायरेक्शन वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो चीज़ें सिंपल हो जाएंगी, बिकॉज आपको सिंपली क्या करना है, वेक्टर सम ना लगा के अलजेब्रिक सम लगाना है, ठीक है, तो चीज़ें और सिंप्लीफाई हो जाएंगी, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, यहाँ पर सिंप्लीफाई हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। जब सिंप्लीफाई हो जाएंगी तो देखते हैं जरा हम, तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब हम लोग मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड आउट करेंगे। सो बताइए जरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक, सो द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर आपको एक पॉइंट चार्ज गिवन होगा, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन एज्यूम, लेट सपोज इट इज प्लस क्यू। यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा, सपोज दैट पॉइंट इज एट आर डिस्टेंस, जहां पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो कैसे निकलेगा ये पोटेंशियल, जरा ध्यान से समझते हैं इसको। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है कि इन्फिनिटी से एक चार्ज को लेके आ जाओ इस पॉइंट पर, जो वर्क किया जाएगा उसको उसी चार्ज से डिवाइड कर देना, तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल। अब क्वेश्चन ये आ गया कि इन्फिनिटी से जब लाओगे तो वर्क डन कितना हो रहा है, ये कैसे निकालोगे,
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भाई वर्क डन कैसे निकलेगा। तो उस वर्क को निकालने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि इन्फिनाइट क्या है, अननोन डिस्टेंस है, पता ही नहीं कितनी डिस्टेंस है। सो दैट्स वाई व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग दैट चार्ज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। सपोज दिस इज व्हाट dx और वट एवर आई कैन एज्यूम। यहाँ से यहाँ तक मैंने मान लिया कि भाई ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस मेरी x थी, ठीक है। तो इस x डिस्टेंस पर मैंने एक चार्ज रख लिया लाकर q नॉट, और इसको मैंने क्या किया, a से b तक मूव करा दिया, ए से बी तक मैंने मूव करा दिया बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल फोर्स, राइट। और dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क निकाल लेता हूं मैं, फिर मैं इसको कहां से कहां करूंगा, फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा इंफिनिटी से बी पॉइंट तक, और वो मुझे मिल जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। तो सो व्हाट विल बी द वर्क डन, वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, देखते हैं जरा कितना हो जाएगा। तो दैट विल बी dw एंड दिस विल बी व्हाट, f एक्सटर्नल इनटू dx cos थीटा, फॉर्मूला इज दैट f dx cos थीटा, f dx cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां क्या करना है भाई, एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं, बट अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो हमें नहीं पता कितना फोर्स होगा वो, राइट। इट मींस वो ज्यादा भी हो सकता है, कम, कुछ भी हो सकता है, बट हमें चाहिए वर्क डन। सो यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझना है। ये जो कहानी मैं बता रहा हूं आपको, ये मोस्ट ऑफ बच्चों को समझ नहीं आती है, राइट। सो एफ एक्सटर्नल तो मैंने ले लिया, लेकिन ये एफ एक्सटर्नल होगा कितना, तो बेटा ये एफ एक्सटर्नल मेरा इस चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इस चार्ज की वजह से, उसके इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, जिससे कि इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सीलरेशन नहीं होगा, इस चार्ज के अंदर एक्सीलरेशन नहीं होगा। अदरवाइज अगर मेरा एक्सटर्नल फोर्स, अब भाई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि कितना होगा, इसको निकालोगे तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि कूलॉम्स लॉ से निकाल लोगे आप यहां पर। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फोर्स मेरा लग रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो क्या होगा, जब ये ऑब्जेक्ट मेरा इधर मूव करता हुआ आएगा, देन व्हाट विल बी, देयर विल बी एक्सीलरेशन। सो इट शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, एग्जैक्टली इक्वल होगा तो मूव नहीं करेगा, बट वी जस्ट एज्यूम इट इज नॉट, इट इज ऑलमोस्ट इक्वल, देयर इज नो बिग डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, वी यूज दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इन प्लेस ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर है, इसका मतलब इनके बीच का एंगल हो गया कितना, 180 डिग्री। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, और अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो मैं यहां पर अब क्या करूंगा, यहां पर एफ ई की वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे डी डब्ल्यू मिल जाएगा कितना, 1 अपॉन, और मे बी आई कैन से के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx cos 180, cos 180 हो जाता है बेटा -1, तो माइनस मैंने लगा दिया आगे, ठीक है। ये आ गया स्मॉल वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, मुझे चाहिए इंफिनिटी से इसको लेकर आना है, तो इंफिनिटी से कैसे लाएंगे, सो नाउ वर्क डन, वर्क डन फ्रॉम infinity to that point B. So infinity to B अगर आप लेकर आ रहे हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा,
इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा कहां से कहां तक, इंफिनिटी से बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है कितनी है, बी पॉइंट हमारा यहां से यहां तक आर डिस्टेंस पर है, तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, के क्यू क्यू नॉट बाहर आ जाएगा तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा, ये बचेगा के क्यू क्यू नॉट, यहाँ बचेगा इन्फिनिटी आर वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आप जानते हो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का वन अपॉन एक्स, माइनस का वन अपॉन एक्स, और ये जब माइनस बाहर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये अल्टीमेटली आपको क्या मिल रहा है, वन अपॉन एक्स, लिमिट आप पुट कर दो तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब अपर लिमिट हमने यहाँ पुट की तो वन अपॉन आर हो गया, लोअर लिमिट पुट की तो वन अपॉन इन्फिनाइट हो गया, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, ये के क्यू क्यू नॉट वन अपॉन इन्फिनाइट जीरो हो जाएगा, सो अल्टीमेटली W जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, ये आ गया वर्क डन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से R पॉइंट तक, R डिस्टेंस वाले पॉइंट तक ये मुझे मिल गया वर्क डन, क्लियर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट R। अब वर्क डन मिल गया तो अब आराम से आप क्या निकाल लोगे, पोटेंशियल निकाल लोगे, कैसे देखते हैं जरा, तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एट बी, अब कैसे निकलेगा, बी इज इक्वल्स टू डब्लू कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, सो डब्ल्यू इन्फिनिटी से आर तक कितना आया आपका, के क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट दैट हैज गॉन, सो इट इज के क्यू अपॉन आर, सो वी कैन से द फॉर्मूला इज वी इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, दैट इज द फॉर्मूला इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसकी वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, ठीक है, आ गया समझ, चलो इसको थोड़ा सा अभी और डिस्कस करेंगे, ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे इसकी, जिससे कि आपको डिटेल में आइडिया हो जाए कैसे कैसे हमारा पोटेंशियल वेरी करेगा। तो अगर आप इस पोटेंशियल को ध्यान से देखो तो ये तो हमारा पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल था, प्लस क्यू के लिए, अगर यहीं पे माइनस क्यू चार्ज होता, फॉर माइनस क्यू यही पोटेंशियल क्या हो जाता, माइनस का के क्यू अपॉन आर हो जाता, क्योंकि यहां वेक्टर तो है नहीं है तो माइनस लगाना है, जब वेक्टर हम लेते हैं तो वहां पर डायरेक्शन के लिए यूज हो जाता था माइनस साइन से, डायरेक्शन पता चल जाती थी, बट यहां माइनस रहेगा, कैलकुलेशन में इंक्लूडेड होगा आपका, तो हो गया मेरा पोटेंशियल ड्यू टू माइनस चार्ज। नाउ वी विल फॉर्म द ग्राफ ऑफ वी वर्सेस आर, तो अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे फॉर प्लस क्यू चार्ज, देखो जरा, इधर मेरा पॉजिटिव वी पोटेंशियल है, इधर मेरा नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा, इधर मेरा आर पॉजिटिव हो जाएगा, इधर मेरा आर नेगेटिव हो जाएगा, तो जब मैंने आर पॉजिटिव लिया और वी पॉजिटिव लिया, चार्ज मेरा पॉजिटिव है ही पहले से ही, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा मैं, इट मीन्स जब मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो r की वैल्यू जब पॉजिटिव होगी तो v डिपेंड कर रहा है
वी तो डिपेंड कर रहा है वन अपन आर पर, इसका मतलब इसका जो प्लॉट आएगा ये कैसा आएगा, इट इज समवेयर अराउंड दिस लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। सिमिलरली जब माइनस आर के लिए डील करोगे तो पोटेंशियल हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस आर के लिए पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो पोटेंशियल नेगेटिव हमारा कहाँ आएगा, इस एक्सिस पर आएगा, ये नेगेटिव पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है एक्सिस, सो इट विल बी समवेयर अराउंड दिस, ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। सो ये ग्राफ आ गया मेरा किसका, हाइपरबोलिक टाइप, हाइपरबोलिक टाइप ग्राफ होगा फॉर दिस V वर्सेस R, ठीक है। अब ये मैंने प्लस Q के लिए बनाया, सिमिलरली जब हम माइनस Q चार्ज ले लेंगे तब भी तो हमें देखना है ग्राफ कैसा होगा, तो माइनस Q चार्ज के लिए देख लेते हैं जरा ग्राफ कैसा होगा हमारा। सो फॉर माइनस Q चार्ज, फॉर माइनस क्यू क्या हो जाएगा जरा देखते हैं, V here प्लस B है ये, दिस इज प्लस R, माइनस R, माइनस B एंड सो ऑन। तो जब मैं माइन प्लस R लूंगा तो मेरा पोटेंशियल नेगेटिव होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू अपॉन R। तो जब R पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, व्हेन R इज पॉजिटिव देन V विल बी नेगेटिव, एंड व्हेन R इज नेगेटिव देन V विल बी पॉजिटिव। तो ये सिचुएशंस है मेरी। तो जब R पॉजिटिव है तो R का ग्राफ तो इस एक्सिस पे ही जाएगा, लेकिन V का ग्राफ कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, तो नेगेटिव एक्सिस तो ये है, तो इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर प्लॉट करना है, इसका मतलब हमारा प्लॉट कहीं ना कहीं ऐसे जाएगा, क्लियर, दिस टाइप ऑफ प्लॉट विल बी देयर। सिमिलरली जब मैं इसको प्लॉट करूंगा R वर्सेस V, जब मेरा R नेगेटिव है तो R नेगेटिव हमारा इस एक्सिस पर आ जाएगा, R अगर नेगेटिव हो गया तो V कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि एक साइन वहां ऑलरेडी नेगेटिव है, एक साइन यहां ऑलरेडी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो यहां पर आपको क्या मिलेगा ग्राफ, अब ये थर्ड ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और यहां ग्राफ कैसा मिल जाएगा आपको, इस तरह से, क्लियर। तो ये मेरा ग्राफ बना, अगेन हाइपरबोलिक फॉर्मेशन में है, जब माइनस क्यू चार्ज था तो हमारा फोर्थ और सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, जब प्लस क्यू चार्ज था तो मेरा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है दिस वन, क्लियर। तो ये आपको समझ आ गया, यहां पर ये हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज था। अब अगर मान लो आपको मल्टीपल चार्जेस दे दिए जाए और बोला जाए कि इन सारे चार्जेस की वजह से किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल बताओ, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आप सिंपली सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालो और ऐड कर दो, तो पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस भी देख लेते हैं फटाफट से, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि हम जब पोटेंशियल निकालेंगे तो भाई हमने मान लिया कि यहां पर हमें पोटेंशियल चाहिए, यहां बहुत सारे चार्जेस हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर, सपोज ये R1 है, ये R Q2 चार्ज है R2 डिस्टेंस पर, इधर सपोज हमारा Q3 चार्ज है R3 डिस्टेंस पर, मे बी यहाँ हमारा चार्ज है Q4 R4 डिस्टेंस पर, एंड सो ऑन एंड सो ऑन।
तो इस वाले केस में हम लोग यहाँ P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालेंगे, तो P पॉइंट पर जो पोटेंशियल हमारा आएगा ये क्या आएगा, इट विल बी जस्ट अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल, वेक्टर नहीं लगाना बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है. सो नाउ द पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, इट विल बी वॉट, V इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री प्लस वी फोर एंड अप टू वी एन. सो आई कैन राइट इट लाइक V इज इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन आर वन प्लस के क्यू टू अपॉन आर टू प्लस सो ऑन के क्यू एन अपॉन आर एन आर एन. ठीक है, एंड यहां से अब मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मेरा पॉइंट है वो ओरिजिन पे ही है. ठीक है, यहाँ पर मैंने ये एज्यूम कर रखा है कि पॉइंट मेरा क्या है, ओरिजिन पर है, तो ये डिस्टेंस हमारी R1, R2, R3 यही लेनी है. बट अगर मान लो ये पॉइंट हमारा किसी अनदर कोऑर्डिनेट पर होता तो फिर हम ये R2 तो हमारा ओरिजिन से होता या R1 मेरा ओरिजिन से होता, यहाँ कहीं पॉइंट होता तो ये डिस्टेंस नहीं लेते हम, फिर वही वाली डिस्टेंस लेते. जैसे अगर ये P पॉइंट कहीं यहाँ होता तो ये R1 से काम नहीं चलेगा, फिर हमें ये डिस्टेंस आई होगी ये वाली. सो बिटवीन द पॉइंट एंड चार्ज, बिटवीन पॉइंट एंड चार्ज की डिस्टेंस लेनी है, ये ध्यान रखना आपको. तो ये क्या बन जाएगा, समिशन ओवर के, मैं बाहर ले लूँ, क्यू आई अपॉन आर आई लिख सकता हूँ मैं इसको, एंड वेयर आई गोज फ्रॉम वन टू एन, आई गोज फ्रॉम वन टू एन, सो दिस इज क्यू आई अपॉन आर आई, जिसकी वैल्यू क्या है. तो यहां पर जितने भी चार्जेस होंगे उन सबका सम कर लेना, उसको आर आई से डिवाइड कर देना और अल्टीमेटली ये मिल जाएगा. तो आप क्या करोगे, सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकालोगे. नेगेटिव चार्जेस होंगे तो नेगेटिव इंक्लूड कराना है, पॉजिटिव चार्जेस तो पॉजिटिव साइन लेना है. सारे चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाल कर आप उनको सीधा सीधा ऐड कर दो, कोई डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है, कोई वेक्टर सम करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है. ठीक है, बट अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव साइन वहाँ उसके साथ लेकर चलना है. ठीक है, तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डील किया है, जिसमें पोटेंशियल को समझा, पोटेंशियल डिफरेंस को समझा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज को समझा. ठीक है, एंड आफ्टर दैट पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस की बात की. ठीक है, अब इससे आगे का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट, इससे आगे का जो कंटेंट होगा हमारा वो नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे. ठीक है, एंड इसका आप पूरा रिविजन करो, बिकॉज पॉइंट चार्ज वाला जो डेरिवेशन मैंने कराया था के क्यू अपॉन आर वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका ग्राफिकल एनालिसिस बहुत प्रॉपर तरीके से समझ लेना. ग्राफ बनाकर आपसे दे देगा, बताओ किस तरह के कॉन्फ़िगरेशन के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो इतना सारा हम लोगों ने कर लिया. ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट नए टॉपिक्स के साथ. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.